साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों को जो है बताऊं कि मैं कहाँ गायब थी। बस तबीयत की वजह से मैंने एक साथ पाँच चार पांच समोसे डाल दिए हैं, बहुत है। और ये देखिए, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि ऑयल ऊपर से आ जाए और जो है थोड़ा ये गोगलू गोगलू सा हो जाए। टमाटर इनके ये देखें जी, कितने प्यारे प्यारे गोल्डन गोल्डन समोसे बन के रेडी हो गए हैं मेरे। और स्मेल आ रही है, काश के हम चाय के साथ सर्व कर सकें। और यहाँ ऑयल भी जो है वो हीट अप हो चुका है। ये रखा है मैंने आलू गोश्त, तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसमें बस मुझे फाइनल टच देना है। मैंने रायता बनाया है पराठों के साथ। गाइस मैंने खा लिया है। कैसा है गाइस? अच्छे एकदम अच्छे। थैंक यू। ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई करिए। आप कुछ कहेंगे? सो तैयार है शानदार सा पराठा और कीमे का मज़ेदार गर्मा गर्म पराठा। अब हम इंजॉय करने वाले हैं और खाएंगे, मिलके बैठ के खाएंगे बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू दोस्तों की दुनिया। कैसे हैं मेरे सारे बहन भाई दोस्त अहबाब, मेरे सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे और विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद जो है ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बस तबीयत की थोड़ी सी ख़राबी की वजह से। तो विंटर्स कर रहे हैं इंजॉय, और आपको पता है विंटर्स में ज़रा से भी चोट लग जाए तो वो बहुत पेनफुल होती है। तो बस यही कोई सिलसिला था कि एंकल में चोट लग गई थी तो वो पेन बहुत ज़्यादा है कि स्वेलिंग भी हो रही है। बहरहाल अभी मैं किचन में हूँ और काम जो है ज़ोरों शोर से चल रहा है। वैसे तो जो है गैस की लोड शेडिंग जो है बहुत परेशान करी, सो मैंने उसकी वजह से सिलेंडर फाइनली लगा ही लिया। और आज मैं किचन में हूँ और किचन में जो है रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर मैंने आलू गोश्त ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया। दूसरे इस पे चूल्हे पे जो है मैंने पैन रखा हुआ है चाय के लिए। और तीसरा जो ये मेरा कुकर प्रेशर कुकर नज़र आ रहा होगा ना, सो ये इसमें जो है मैंने शामी कबाब के लिए जो है गोश्त बना के, यानी शामी कबाब का जो है बैटर मसाला तैयार करके रखा है। और मैं जो है साथ साथ बना रही हूँ इवनिंग स्नैकिंग के लिए समोसे, आलू वाले समोसे। आपको पता है विंटर्स हैं तो इसमें कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं जो है आलू के समोसे बना लूँ। तो बस हाँ, काम ज़ोरों शोर से किचन में चल रहा है। वैसे तो दिल नहीं चाहता सर्दियों में काम वाम करने का, बट एक जो है मैं अभी बहरहाल ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ अभी और क्या करना बाकी है। सो बने रहिएगा, देखते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरा किचन आज थोड़ा सा बिखरा हुआ है जस्ट बिकॉज कि कुकिंग चल रही है, देख लीजिए। तो वो कुकिंग चल रही है तो दो तीन चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा किचन मेरा मैस हुआ हुआ। मैस नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है कुकिंग के टाइम तो चीज़ें बिखर जाती हैं फिर सिमट भी जाएंगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुक कर रही हूँ। ये रखा है मैंने आलू गोश्त, तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसमें बस मुझे फ़ाइनल टच देना। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चा वगैरह गार्निशिंग के लिए जब सर्विंग के टाइम पर मैं डालूँगी। और ये जो है अदरक के साथ पानी बॉईल हो रहा है चाय के लिए कावा। और यहाँ इसे स्टोव पे मैंने रखा हुआ था, मैंने बर्नर ऑफ़ कर दिया। यहाँ पे जो है मैंने शामी कबाब के लिए गोश्त रखा हुआ था जो कि डन हो गया और बर्नर ऑफ़ हो गया है, और प्रेशर अभी इसका रिलीज़ नहीं हुआ है तो मैं वेट कर रही हूँ। और दूसरे साइड पे इस किचन काउंटर पे ये देख लीजिए, ये मैं बना रही हूँ समोसे। ये रहे मेरे समोसे, कुछ मैंने जो है
चार पांच बना लिए हैं और बाकी जो है शेप कर रही हूँ, तो साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों को जो है बताऊं कि मैं कहाँ गायब थी। बस तबीयत की वजह से मसरूफियत थी और आज बस कुछ दिल चाह रहा था कि ऐसा कुछ खाने का, तो ऐसा कुछ खाने के लिए ऐसी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड मुझे सख्त गुस्सा करते हैं कि क्या ज़रूरत है ऐसा फजूल करने की, सादा सादा खाना बनाया करो। मगर बहरहाल तो आज मैं बना रही हूँ, चाय के साथ समोसे सर्व करूँगी। और अभी जो है छोटा वाला सो रहा है और आरिश ट्यूशन गए हुए हैं और मैं किचन में लगी हुई हूँ। सो मैंने ये समोसे की पट्टी ले ली है, इस तरह से मैंने बना कर रख लिया है और बाकी का बैटर रखा हुआ है। अभी ये आलू जो है इसके समोसे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वो है आलू के समोसे की रेसिपी, सो आपको मिल जाएंगी। सो मैं बना रही हूँ अपना जो है आलू के समोसे, इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ फ्राइंग के टाइम। टिल देन स्टे ट्यून और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, जो कि आप भूल गए हैं, मगर कोई बात नहीं, फिर से याद दिलाती चलूँ कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भूलिएगा नहीं, थम्स अप देना भूलिएगा नहीं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। चाय का कावा रेडी हो गया है और मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ मिल्क। ये डब्बा हो गया ख़त्म, दूसरा डब्बा खोलते हैं। चलें जी, चाय के लिए मैंने दूध ऐड कर दिया, इधर रख दिए हैं मैंने समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल, पैन में ऑयल रख दिया है, इधर समोसे फ्राई करेंगे, इधर बनाएंगे चाय और इंजॉय करेंगे हम अपनी चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के समोसे। सो आप लोग भी इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी। चलें जी, थोड़े बहुत चलें जी, कुछ समोसे हमारे रेडी हो गए हैं ताकि हम चाय के साथ सर्व कर सकें और यहाँ ऑयल भी जो है वो हीट अप हो चुका है। सो देरी किस बात की है, हम डालते हैं इसमें समोसे वन बाय वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और अच्छा सा कलर भी आए निकल कर। हमने एक साथ चार पांच समोसे डाल दिए हैं, बहुत है। तो ये देखें, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि ऑयल ऊपर से आ जाए और जो है थोड़ा ये गोगलू गोगलू सा हो जाए। ओ, एक थोड़ा सा उसका खुल गया है मुंह, तो कोई बात नहीं, अभी मुंह पे ताला मारते हैं इनके। ये देखें जी, कितने प्यारे प्यारे गोल्डन गोल्डन समोसे बन के रेडी हो गए हैं मेरे, और इतनी कोई ज़बरदस्त वाली खुशबू आ रही है, ये मुंह में पानी आ रहा है अभी से, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी अच्छी कोई स्मेल आ रही है। काश के वीडियो में स्मेल भी भेज सकते तो ज़रूर आपको भी सूंघने का मौका मिलता। तो बहरहाल हम गर्मा गर्म आलू के समोसे करेंगे अपनी चाय के साथ इंजॉय। चाय भी जो है क्योंकि गैस देख लीजिए इतनी है, सो हल्की आँच पर हम गैस कह रही हूँ, हल्की आँच पे हम उनको थोड़ा सा और पकने देंगे चाय को, और मेरे गोल्डन गोल्डन समोसे मज़े वाले शानदार वाले रेडी हो गए हैं। जल्दी से यमी वाली जो है ना हम खाएंगे केचप और मायोनीज़ के साथ। जी फ्रेंड्स, तो हो गए हैं ये गर्मा गर्म समोसे रेडी मेरे, और ये रखे मैं इधर, ये हो गए हैं रेडी, और मैंने तीन चार और डाले हुए हैं ताकि मैं नाहिद और सीमी को भी सलून पे ही भेज दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, मुझे निकलना था, तो मैंने कहा उनको आने में टाइम है तो मैं उनको भेज दूंगी, ये तो उनके लिए भी फ्राई कर ले रही हूँ, जाते हुए देती हुई जाऊंगी उनको सलून पे इंशाल्लाह। यहाँ शामी कबाब का मसाला भी रेडी हो गया है और बस ये ठंडा हो जाए, तो अभी तो खैर मैं नहीं पीसूँगी क्योंकि अभी मुझे दूसरे काम हैं। ये मैंने बॉईल करके रख लिया है, दाल और ये सब चीज़ें गल रही हैं देखें,
और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तो बस अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। जब मुझे इसको पीसना होगा तो फिर बताऊंगी बाकी का काम। ये देखिए मैं सोच रही हूँ कि तो इसको थोड़ा सा और प्रेशर लगा लूँ ताकि जो थोड़ी बहुत इसके अंदर नमी रह गई है ना वो भी वो हो जाए। तो एक सीटी और लगा लेती हूँ और अच्छा सा मैशी वो हो जाएगा। ऑयल को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, ऑयल लेड लगा के रख देती हूँ। और इधर मैंने वापस से प्रेशर कुकर जो है रख दिया है और ये लगा दी इसकी सीटी। चलें जी अब इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे, 10 मिनट, ऑलमोस्ट 10 मिनट में एक प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको जस्ट बंद कर देंगे। सो यहाँ गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो गई है और जस्ट मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला शहजादा इजरम के लिए चाय निकाली है मैंने, क्योंकि आरिश नहीं प्रेफर करते हैं, बट उनके मूड का कुछ पता नहीं होता है, जब उनको नहीं दो तो उनको चाहिए होता है। सो मैंने फ़िलहाल निकाल ली है अपने तीनों की चाय, हस्बैंड और मेरी और मेरे छोटे वाले बेटे की चाय। ये हो गई मेरी चाय रेडी यहाँ पे, उप्स, और ये हो गए यहाँ समोसे रेडी। सो रखते हैं काउंटर पर। देखिए मैंने खाना भी शुरू कर दिया, मुझे इतनी कोई शदीद वाली भूख लग रही थी कि मैंने वेट नहीं किया और मैं शुरू हो गई। और ये जो रिमेनिंग है अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, बाकी का इसका बैटर बच गया है वो मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया है। और 4-5 समोसे ये हो गए और कुछ समोसे इधर हैं, तो हर तरफ समोसे ही समोसे बिखरे पड़े हैं आज मेरे किचन में। सो बहरहाल ये मेरी बहनों के लिए हो गए, उनको भेज देंगे और हम अपनी चाय इन्जॉय करते हैं। अब हम कड़ा हुआ दूध पीने की तैयारी कर रहे हैं, दूध जो है बॉयल हो चुका है और ख़ासा कड़ा हुआ है। और सर्दियों में ठंडी वाली रात है, ठंड हो रही है और हम लोग दूध पियेंगे और मूवी देखेंगे। सो गैस नहीं आ रही है और ये मेरा गुल्ला आ गया है जी बेटा, और मैं डूडू आपको भी पीना पड़ेगा। मलाई वाला दूध उसे क्या होता है, मूवी नाइट। लारिश मोबाइल मुझे, दोनों भाई बैठ के मूवी देखो, इधर दो मोबाइल मुझे, कोई नहीं देखेगा मोबाइल। Enjoying hot milk with मलाई, मलाई वाली, मलाई वाला कड़ा हुआ दूध पी लो बच्चों, दूध पी लो, दूध ले लो, वो क्या है आरिश, चाय ले लो, चाय पी लो, चाय पी लो, क्या है वो, एक वो आता था ना, ये देखो गुल्ला जो है ब्लैंकेट में गुदला है। सो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से आलू के कटलेट्स, पोटैटो कटलेट्स। इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आए आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है नए आलू आए हुए हैं मार्केट में बहुत अच्छे वाले, सो मैंने इनको बॉयल कर लिया, अच्छे से मैश कर लिया है। साथ में मैंने इसके डाला है 2 मीडियम साइज़ का कैरेट, उसको चॉपराइज कर लिया है, साथ में अनियन है, साथ में कैप्सिकम है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है, चिकन पाउडर है, ज़ीरा है, और ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पैटी बना लेनी है। साइजेज और शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। इसको बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और अंडे और ब्रेड क्रम के साथ इसको कोट कर सकते हैं। रात के खाने के लिए आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले पराठे, क्योंकि विंटर्स है, विंटर में मज़े मज़े की चीज़ें खाने का दिल चाहता है। तो जस्ट मैंने कीमों को जो है लहसुन अदरक और प्याज के साथ बॉईल कर लिया है, और उसमें फिर उसको बॉईल होने के बाद जो है सॉल्ट और थोड़ा सा घी के साथ प्याज को सौते करके कीमा मैंने ऐड कर दिया, और उसका सारा मॉइस्चर जितना भी था वो सारा जो है इसके साथ ड्राई कर लिया। साथ ही मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद जैसे पराठों के लिए आटा गूंथते हैं या सिंपल रोटी के लिए आटा गूंथते वैसे बना के मैंने ये रख लिया है। और इसको आप चाहें
तो जन्ना मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि वॉइस ओवर करना है और मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। सो मैंने तमाम पेड़े बनाकर रख लिए हैं और इसके अंदर फिलिंग ऐड कर दी है। इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसको बना के हाफ डन करके फ्रिज में रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में तैयार कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने इसको दोनों साइड से सेक लिया है, वो सेकने की क्लिप जो है वो मिस हो गई है मुझसे, सो वो नहीं है। तो बहरहाल पराठों को दोनों साइड से सेक लिया, हाफ डन हो गए हैं। इसको मैंने जो है ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और जब मर्जी आए निकालें और चाय के साथ, दही के साथ इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और विंटर के मज़े लें। तो ये मैं जो है बस कुछ सेव कर लिया मैंने और कुछ सर्व करने के लिए फ्राई कर रही हूँ। उसको रायते के साथ खाया था, यकीन करें इतना कोई यमी बना था ना कि नहीं बता सकती। जो मैंने आपको वर्वली रेसिपी बताई है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। मेरे मुँह में अभी वॉइस ओवर करने पे पानी आ रहा है, दिलचारा मैं अगेन से खा लूँ, बहरहाल अभी नहीं खा सकती मैं। तो बहरहाल आप इंजॉय करें ये रेसिपी को और अपनी दुआओं में अपने प्यार में मुझे और मेरी फैमिली को रखें याद। खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और ये पराठे जो हैं, खीमे वाले पराठे, सर्दियों में तो हर तरह के पराठों का मज़ा आता है, खीमे वाले पराठे, आलू के पराठे और दाल के पराठे जो कि मुझे नहीं पसंद है, बहरहाल वो भी रेसिपी आपसे से बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो इन पराठों के साथ अपनी दुआओं में रखें मुझे याद। खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने रायता बनाया है पराठों के साथ। और मैं आज पराठा खाऊं? गाइस मैंने खा लिया है। कैसा है गाइस? अच्छे, एकदम अच्छे। आप ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई करिए। आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे, खाएंगे। ओके, एंजॉय करें।